नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में ठंड को लेकर। बिहार में अभी लोगों को ठंड से नहीं मिलने वाली है राहत। प्रदेश में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही पछुआ हवा से कनकनी के साथ ठंड बढ़ा दी है। मौसम विभाग का यह भी कहना है कि आने वाले दिनों में रात के तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। इससे कनकनी के साथ ठंड का प्रभाव और भी बढ़ेगा। यह भी बताया गया है कि दक्षिणी पश्चिमी एवं दक्षिणी मध्य भागों में एक दो स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर के कोहरे छाए रहने की बात कही गई है। इधर मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में पछुआ एवं उत्तर पछुआ हवा का प्रवाह सतह से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक बना हुआ है। इसकी रफ्तार 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इधर बुधवार को ठंड और भी बढ़ गई। ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में अगले 5 दिनों तक मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि रात के तापमान में 2 से 6 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। रात के तापमान में गिरावट के कारण ठंड का एहसास होगा। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि बिहार के दक्षिणी पश्चिम एवं दक्षिणी मध्य भागों में एक दो स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान है। इधर मौसम विभाग ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में प्रदेश के दक्षिणी पूर्व भागों के एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा रिकॉर्ड दर्ज की गई है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि राज्य के शेष अन्य भागों में मौसम शुष्क बना रहा। पूर्णिया और भागलपुर में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहा। राज्य का सबसे कम न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस सिवान में दर्ज किया गया, वहीं सिवान के जीरादेवी में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कहा है कि 5 दिनों तक ठंड को लेकर अलर्ट किया गया है। रात के तापमान में कमी आने के कारण ठंड का एहसास होगा। इस दौरान सेहत को लेकर लोग सावधान रहें। इस मौसम में सांस के रोगियों के साथ बच्चों को लेकर सावधानी बरतने की बात जो है मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पर कही गई है। बता दें कि प्रदेश में पिछले कई दिनों से बारिश के बाद मौसम में अचानक बदलाव हुआ, जिसके बाद हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ी थी। लोगों को इस दौरान काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद से अभी तक प्रदेश में ठंड का कहर जारी है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में बारिश तो नहीं होगी, लेकिन मौसम विभाग ने कहा है कि मौसम इसी तरह से बनी रहेगी। रात के तापमान में और भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। 28 जनवरी के बाद से प्रदेश में एक बार फिर से ठंड अपना पुराना रुख दिखाएगा, यानी कि एक बार फिर से जो है रात के तापमान में गिरावट होगी और दिन में जो है कोल्ड अलर्ट जारी किया जा सकता है। तो एक तरह से कह लें कि भले ही बारिश नहीं होगी, लेकिन पछुआ हवा के प्रभाव के कारण ठंड में जो है कोई कमी आने की बात अगले 5 दिनों तक नहीं कही गई है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।